इसके बाद ये ठीक है। दूसरा आपसे सवाल है, इंटरव्यू में लिसन केयरफुली का एक नियम होता है, ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, तो आप में से कई लोग सुनते बहुत है पर समझ में कुछ नहीं आता, ये आजकल के यंगस्टर की बात मैं देख रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें बोल के सामने निकलता है, सुन तो हम सब लेते हैं और बैठे भी वही, पर दिमाग में वो बात आती नहीं है, तो लिसन केयरफुली के लिए आप अपनी लिसनिंग पावर कैसे बढ़ाओगे? तीसरा सवाल है आपसे, आपसे सवाल ये है, कम्युनिकेशन इंटरव्यू को एंड कर देता है और कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत अच्छा किसी का नहीं रहता, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेजों में भी आपका कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत अच्छा, लोगों से मिलते रहना या प्रैक्टिस करेंगे जब ही, तो लोगों से मिलने से कम्युनिकेशन ठीक होता है कि कुछ विद्वानों से मिलने से ठीक होता है? मतलब विद्वान मतलब जो ये सब कर चुके रहते हैं उन लोग से मिलने, जैसे कि सीनियर वगैरह से कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए, कम्युनिकेशन पैटर्न तो एवरेज से ज्यादा तो नहीं मान सकते किसी का, अभी क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए? अभी तो ऐसा कुछ कुछ विशेष किया नहीं, ठीक है, सीधा है बात करो, जितनी लोगों के साथ टाइम बिताओ, मोबाइल में कम बिताओ, बात करोगे कुछ भी बात करो जो भी नॉर्मल, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आएगा। कोशिश आप करें अपने से थोड़े से सफल व्यक्तियों से बात करें, अगर आप सफल व्यक्तियों से बात करेंगे ना या सफल व्यक्ति फॉलो ही कर ले आप, तो आप देखेंगे आप उनके जैसे कम्युनिकेशन करने लगते हैं, अच्छे स्पीकर्स की वीडियो भी सुनते हो तो आपका कम्युनिकेशन वैसे होने लगता है। चौथा आपसे सवाल है, बॉडी लैंग्वेज के लिए आपकी क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज तो सबके लिए जिम्मेदार है, आपकी बॉडी में एक ताकत मुझे देखनी है, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए तो भले आप ऋषि मुनियों को भी देखते हैं एक कपड़ों में रहते हैं, लेकिन आप देखते हैं उनके शरीर से एक ताकत एक उनके शरीर से दिखती है, उनसे बात करने में आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा ऑरा कैसे आप बढ़ाएंगे कि आपसे बात करने पर सामने वाले कहेंगे आप इसके लिए फिट हो काम के लिए, तो ऑरा कैसे बिल्ड कर देंगे, ऑरा बिल्डिंग, क्योंकि ऑरा बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरा के लिए क्या किया आपने, तो इंटरव्यू आपको देखे आपसे बात करके क्या किया, तुमने तो मैं सेलेक्टी कर दिया है, डिग्री तक नहीं दी, इतना ऑरा तुम्हारा पेज है, क्या करोगे? सबसे अच्छा ऑरा अभी किसका आपको समझ में आता है, कोई ऐसा बंदा जिसका आपको लगता है कि इसके जिसको पर्सनालिटी से आपको एकदम अच्छा लगता है उससे बात करने या आपको वीडियो देखने में अच्छा लगता है, ऐसे कौन कोई है? किसका? अच्छा तो उससे ही सीखो आप कैसे बॉडी लैंग्वेज फिट कर, जिससे जिसको आप मानते हो उससे बॉडी लैंग्वेज फिट करना सीखे। नेक्स्ट सवाल आपसे है, आपसे सवाल ये है कि जब भी बात होती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में एक गलती इंसान बहुत तेज करता है, वो है आपका बिहेवियर, वो अच्छा नहीं रख पाता है, तो बिहेवियर तो शुरू से इंसान का बिगड़ा रहता है, बस थोड़ा गुस्सा और बिहेवियर सामने आ जाता है, तो बिहेवियर को अच्छा रखने के लिए क्या किया आपने? बिहेवियर अच्छा रखने के लिए हाँ सबसे बात कर रहा है ठीक है, और गुस्सा जब आएगा जिससे आपको गुस्सा आए, आप इरिटेट हुआ कुछ तो गलती करे, तो तब आप क्या करेंगे? क्या करोगे ये तो बताओ, उस समय कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोलिंग पावर कैसे लाओगे? कैसे? बोलने से नहीं होता, करने से होता है कंट्रोलिंग, बोलने से होता तो हर इंसान फिर कंट्रोलिंग में माहिर हो जाता। नेक्स्ट सवाल आपसे है राजल से, राजल अगला सवाल आपसे है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपने क्या किया, क्योंकि ध्यान रखिएगा इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय से ही कॉन्फिडेंट बंदे को रखना चाहता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन यहाँ के शहर में लोगों को है, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि लोग पीएचडी करते हैं कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर साइंस में कहते हैं यहाँ जॉब कहाँ है सर, जिस चीज़ का डिग्री करते उसी में कहते जॉब नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों का हमारे शहर में, तो करोगे क्या? एमबीए वाला कहते हैं एमबीए में जॉब ही नहीं है,
एमसीए वाला कहता है एमसीए में जॉब नहीं है, ठीक है, मतलब किसी साइंस में फिर किसी फील्ड में जॉब बचा ही नहीं, एक ही जॉब बचा सर्वमात्र सोचे सरकारी नौकरी बची, बाकी कुछ बचा ही नहीं, जबकि सब जगह जॉब है सरकारी नहीं मिली। तो कॉन्फिडेंस के लिए करोगे क्या ये बताइए, आपसे सवाल है, व्हाट यू डू डू फॉर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए फॉरमोस्ट चीज तो ये है कि जो भी हमारा स्किल है हमें वो बनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं वो बनेगा नहीं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और बनेगा कब? जब प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कब होगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी पढ़ा ही रही है, लेक्चरर्स भी लेक्चर दे ही रहे हैं, आपसे बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम पर्सनली उसे सेल्फ स्टडी नहीं करते, क्योंकि किसी भी स्किल को अटेन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है प्रैक्टिस, जो खुद से करनी पड़ेगी, कितना भी पढ़ाए दूसरे के पढ़ाने से नहीं आता। और सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना, गोल बिल्डिंग इज द मेन एलिमेंट, अगर आपके पास गोल्स है तो आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़ेंगे भी, अगर आपने टारगेट ही किया कि मुझे सीए बनना तो सीए की पढ़ाई मतलब करोगे, जब टारगेट ही नहीं है जिंदगी में, आपको करना है क्या, हमें सरकारी नौकरी करनी है, तो आप एमसीए करके भी क्या कर लोगे, आप एमसीए कर रहे हो मन में सरकारी है तो सरकारी करोगे आप, तो जब आप एमसीए कर रहे हो तो ट्राई फॉर कंप्यूटर साइंस, जब आप एमबीए कर रहे हो तो ट्राई फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए अपने दिल दिमाग को आप पहले ट्रेन करेंगे तो आपकी पढ़ाई रिजल्ट देगी। नेक्स्ट सवाल आपसे है, आपसे सवाल ये है कि कई लोग पॉइंट से बिखर के आंसर देते हैं, मतलब पॉइंट कुछ है हमने पूछा कुछ आंसर कुछ देते हैं, ये आजकल यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम पूछ रहे हैं आपसे जोधा अकबर के बारे में और आप पता नहीं कौन से फिल्म के बारे में बोलने लगे, बाहुबली का बोलने लगे, ठीक है, तो ऐसे ये दिक्कत को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि खुद ही को नहीं पता कब कहाँ पे मुझे बिखरने से रुकना है, बताइए। ठीक है उससे बाहर आंसर दे, लेकिन ये इंसान भागता ही है थोड़ा सा, तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे, अगर भाग तो बाहर ही निकल गए सर, ये हो जाता ही है, बोलते बोलते अचानक आप टॉपिक से बाहर जाते हो, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है कि आपका पहले दिन से सब कुछ हो सकता है, समय हिसाब से प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप देखिए किसी भी ऐसे स्पीकर को आप देखिएगा जो बहुत अच्छा बोलता देखता है, वो टॉपिक के आसपास ही घूमेगा, अगर थोड़ा एग्जांपल भी देगा, थोड़ा हंसाएगा भी, थोड़ा सा लाइव एग्जांपल भी देगा, लेकिन वो घूम के टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हंसाया जैसे कहीं की हमने बात की, थोड़ा सा आप लोग के अंदर जोश भरा, उसके बाद सीधा उठा के उसी टॉपिक में लेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक से जुड़े रहना भी एक कला होती है। लास्ट के सवाल अंश से है आज का, अंश है कि क्या आप लेट होने के बारे में क्या कहेंगे? लेट होने के बारे में तो सर ये कि आप पहले प्रिपेयर रहे, और किसके लिए लेट होने के लिए होने के लिए भी नहीं भी हो रहे तब भी अच्छा प्रिपेयर रहे, टाइम पे निकले, टाइम कितने देर पहले आपको किसी भी शुभ काम में पहुंचना चाहिए, ये टारगेट कई लोगों का तय होता है, तो आप क्या सोचते हैं किसी भी अच्छे काम के, इंटरव्यू हो, जॉब हो, या आपकी कल मैरिज होगी, ठीक है, आपके घर में सेरेमनीज होंगे, आप इसमें लीड रोल पे, पूजा आपके घर में हो रही है, कितने देर पहले अवेलेबल आपको रहना है, इसके लिए आपने क्या सोचा, क्योंकि ये भी लोग सोच के रखते हैं कितने देर पहले आ ही जाऊंगा उसी लिए, बताइए। आधे घंटे पहले आ जाओ, 20 मिनट पहले आ जाना चाहिए, ठीक है, और जब किसी मेन इवेंट में आते हैं तो पहले आके जैसे आपने कहा 20 मिनट पहले आना चाहिए, ठीक है, आइडिया था 20 मिनट बहुत अच्छा है, आने के बाद क्या करें, आके मोबाइल चलाए? नहीं सर, आने के बाद जो भी उनके ऑर्गेनाइजर हैं पहले तो उनसे मिले, जिस भी काम में जा रहे हैं, हाँ, और बस उस काम में सबसे पहले रिलैक्स करें, सबसे पहले आप पहुंच गए, आने के बाद 5 मिनट सांस लेकर रिलैक्स करें, क्योंकि ध्यान रखना आपकी बॉडी और माइंड जो है वो अचानक ट्रेवलिंग से आई है, और आपको ध्यान रखना कि हमारी बॉडी और माइंड रोबोट बॉडी माइंड नहीं है, हमें बॉडी माइंड में हर चीज में थोड़ा समय लगता है, तो 5 मिनट क्या करें, ट्रैवलिंग से अपनी बॉडी माइंड को निकाल के उस सर्कमस्टेंस में अपनी बॉडी माइंड को फिट करें, जिस सर्कमस्टेंस को अब आपको आने वाले 2-3 घंटे देखना है, उसके लिए बॉडी माइंड को परफेक्ट कर दे, लेकिन इसको इतना परफेक्ट कर ले कि फिर कोई बाहरी एलिमेंट उसको डिस्टर्बेंस में डाला है, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपके घर के जिंदगी काम हो, कुछ भी हो, माइंड सेट इज द मेन एलिमेंट, माइंड सेट आप कर दीजिए 5 मिनट के अंदर, फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और डेविएशन भी होंगे, क्योंकि ध्यान रखना फ्रस्ट्रेशन और डेविएशन के कारण कई बार इंटरव्यू में बिगड़ता है, कई बार आपको ध्यान रखना है कि बहुत काम भी बिगड़ता है, इसलिए ये कहा भी जाता है कि इंटरव्यू से 5-10 मिनट पहले मोबाइल फोन भी बंद कर दे, 10 मिनट पहले मोबाइल फोन बंद कर दो, क्योंकि मोबाइल फोन भी डेविएशन ले आता है अचानक,
मोबाइल फोन बंद करके आपने रख दिया, इंटरव्यू के बाद ही चालू करेंगे, 10 मिनट मुझे दुनिया से ही कर दिया जिससे मैं बेस्ट अपना निकाल सकूं। एक क्रिकेटर को अगर आप देखते हो तो क्रिकेटर भी ध्यान रखना बैटिंग करने से पहले पूरे आधे घंटे से पहले वो दुनिया मोबाइल वोबाइल सब छोड़ चुका होता है जिससे वो अपने बेस्ट देने के लिए कंसंट्रेट कर सके अपने काम पे। तभी शतक विराट कोहली लगा रहे, तभी जाके सूर्य कुमार यादव खेल रहे। सीधी बात है कंसंट्रेशन तो खेल रहे, ये तो अगर मोबाइल चला के अगर वो बैटिंग करने जाएंगे ना तो पहले बॉल चले जाएंगे क्योंकि दिमाग तो मोबाइल में अटका था और पहली बॉल में विकेट हो गया। तो आधे घंटे पहले से एक घंटे पहले से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से कट के अलग हो जाता है। आपको भी करना है ठीक, दैट्स ये आपका हम स्टॉप कर रहे हैं।